नमस्कार मित्रों, आज की इस वेबिनार में GSTN की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वेबिनार में हम दो टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे, एक है रजिस्ट्रेशन और दूसरा है रिटर्न्स। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये कि इस वेबिनार में हमारे साथ मेरे दो साथी भी जुड़े हुए हैं, श्री रफी अहमद किदवई और मिस अंकिता। आपके जो भी सवाल हो कृपया उनको चैट बॉक्स में डालिए, हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे और आपके कोई भी शंका हो उसका निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज का वेबिनार शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन में जितनी भी एप्लीकेशंस का स्टेटस आप देखना चाहते हैं उसके लिए पहले आपके पास कोई तरीका नहीं था, या तो आप हेल्प डेस्क में कॉल करते थे या ARN एंटर करके पोर्टल पे जा करके आप उसका फाइनल स्टेटस देख पाते थे, लेकिन आपको ये नहीं पता लगता था कि इस टाइम आपकी कोई भी एप्लीकेशन किस स्टेज पर है। तो अब GSTN पोर्टल ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट सुविधा सारे टैक्स पेयर्स के लिए प्रोवाइड की है। आप ये देख पाएंगे कि अगर आपने नए रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लगाई है या आप कि अपने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में कोई कोर अमेंडमेंट करना चाहते हैं या आपने कैंसिलेशन के लिए कोई एप्लीकेशन लगाई है तो आज की डेट में उसका क्या स्टेटस है और आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं, उसमें कितनी स्टेजेस गुजर चुकी हैं और कितनी स्टेजेस अभी बची हैं। इसी तरीके से इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है रिटर्न्स। तो कुछ टैक्स पेयर्स को सिस्टम जनरेटेड GSTR 3A वाले नोटिस प्राप्त हुए होंगे, तो अगर इस तरह का नोटिस आपको मिलता है तो आप उसको कहाँ देख सकते हैं, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। और तीसरा हम रिटर्न से ही रिलेटेड बात करेंगे, फॉर्म GST ITC 03 जो आप फाइल करते हैं जब आप कंपोजिशन स्कीम में आ जाते हैं और आपको ITC या तो रिवर्स करनी होती है या जो आपके पास इनपुट्स पड़े हैं उसके ऊपर टैक्स पे करना होता है। तो अगर वो निल है आपकी लायबिलिटी तो आप सीधा उसमें निल सेलेक्ट करके वो रिटर्न फाइल कर पाएंगे। तो ये भी सुविधा बिल्कुल नई है और ये तीनों ही चीज़ें टैक्स पेयर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इनको एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया, आपके पास में करंट स्टेज पे किस स्टेज पर आपकी एप्लीकेशन है वो आप नहीं देख पाते थे, अब वो आप देख पाएंगे। इसमें तीन तरह की एप्लीकेशंस हैं जो आप देख सकते हैं, एक है न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, दूसरी है कोर अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन और तीसरी है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। तो न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में 6 स्टेजेस हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि आपका रजिस्ट्रेशन आधार ऑथेंटिकेशन के साथ में हुआ है या उसके बिना हुआ है, उस केस में टैक्स ऑफिसर ने कोई नोटिस तो इशू नहीं किया है, आपने जवाब टाइम पर दे दिया था कि नहीं दिया था और इसके बाद उसमें ऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ, तो उसमें 8 तरह के स्टेटस हो सकते हैं जो हम अभी देखेंगे और 6 स्टेजेस हो सकती हैं। तो सबसे पहली स्टेज होगी जब आप कोई भी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं सक्सेसफुली और ARN जनरेट कर देता है, तो तुरंत ही पहली स्टेज आप पार कर लेते हैं और वो जो एप्लीकेशन है आपकी टैक्स ऑफिसर के पास प्रोसेसिंग के लिए चली जाती है। इसका मतलब वो पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग वाली स्टेज में पहुंच जाती है। तो ये जो स्टेज है ये सभी के ऊपर लागू होगी। उसके बाद अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन आपने ऑप्शन ही नहीं लिया है या आपका आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो गया है तो उसके बाद आपकी एप्लीकेशन साइट वेरिफिकेशन के लिए असाइन की जाती है, तो ये स्टेज भी आपको दिखाई जाएगी। जिस टाइम आपका साइट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है और पोर्टल पर उसको अपलोड कर दिया गया है तो साइट वेरिफिकेशन कंप्लीटेड वाली स्टेज आपकी पूरी हो जाती है। अगर आपको कोई नोटिस टैक्स ऑफिस के द्वारा दिया जाता है तो उसमें जब वो नोटिस आपको इशू होगा तो उसकी एक स्टेज बनेगी और उसमें जब आप जवाब दे देते हैं तो या नहीं देते हैं वो भी एक स्टेज बन सकती है, और आपका जवाब देने की स्थिति में या ना देने की स्थिति में उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है या रिजेक्ट होती है वो एक आपकी अलग स्थिति बन सकती है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्टेज आपकी कवर हो चुकी है
वो आपको ग्रीन कलर में दिखाई देगी जब आप पोर्टल पे इसको ट्रैक करेंगे। और जो स्टेज अभी एक्टिव है, मतलब आपकी एप्लीकेशन अब जिस स्टेज पर है, वो आपको ग्रे कलर में दिखाई देगी। तो आप बड़े आराम से समझ सकते हैं कि इस टाइम आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। तो बहुत सारे तरीके आपको दिए गए हैं आपकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन देखने के लिए। तो ये आप प्री लॉगिन में भी देख पाएंगे और पोस्ट लॉगिन में भी देख पाएंगे। प्री लॉगिन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं पोर्टल पे। तो उसके लिए आप अपना ARN एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर उसको यूज करके उसको ट्रैक कर सकते हैं। और दूसरा है SRN, जब आप MCA पोर्टल पे रजिस्टर करते हैं और उसी के साथ साथ GST में रजिस्ट्रेशन के लिए भी एप्लीकेशन लगा देते हैं तो SRN जनरेट होता है, उसके द्वारा भी आप प्री लॉगिन से अपना स्टेटस देख पाते हैं। वो टैक्स पेयर्स जो पहले से ही रजिस्टर्ड हैं और उसी पैन के ऊपर एक नए रजिस्ट्रेशन के उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है, तो वो पोस्ट लॉगिन में जाकर के, क्योंकि उनके पास पहले से लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, तो वो उन्हीं क्रेडेंशियल्स को यूज करते हुए पोस्ट लॉगिन में जाकर के ARN एंटर करके उस भी अपना स्टेटस देख सकते हैं और SRN एंटर करके भी अपना स्टेटस देख सकते हैं। इसमें एक नया एक फील्ड है जिसके द्वारा आप सबमिशन पीरियड अगर आप डाल देते हैं तो सबमिशन पीरियड से आपने जितनी भी एप्लीकेशंस लगाई हैं रजिस्ट्रेशन रिलेटेड, वो सारी की सारी आपको दिख जाती हैं और उसमें आप ARN सेलेक्ट करके उनका स्टेटस देख पाते हैं। इसमें आपकी जो बाकी दोनों एप्लीकेशन हैं, यानी कि कैंसिलेशन की एप्लीकेशन अगर आपने लगाई हो या आपने कोर अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन लगाई हो, उसका स्टेटस भी आप देख पाते हैं। अब एक बिल्कुल नई फैसिलिटी है जिसका इस्तेमाल आज की तारीख में किसी ने अगर पहली बार एप्लीकेशन लगाई हो रजिस्ट्रेशन के लिए, वो भी इस्तेमाल कर सकता है पोस्ट लॉगिन में। इसको कैसे यूज करेंगे? आप जो TRN जनरेट होता है जब आप रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का पार्ट ए भर देते हैं, उसको यूज करके आप लॉगिन कर सकते हैं और उसके बाद में आप ARN एंटर करके अपना एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। तो इसको धीरे से समझ लेते हैं कि कैसे कर पाएंगे आप। अब हम प्री लॉगिन स्थिति की बात करते हैं। तो प्री लॉगिन में अगर आप GST के पोर्टल पर जाते हैं तो वहां पे सर्विसेज में आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का आइकन दिखता है, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको मॉड्यूल्स दिखते हैं जहां से आपको रजिस्ट्रेशन वाला मॉड्यूल सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। और उसके बाद आपको यहां पर दो फील्ड दिखते हैं, देखिए ARN और SRN। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप किस नंबर को इस्तेमाल करके ट्रैक करना चाहते हैं, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उस नंबर को एंटर करके सर्च पे क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ये अगला पेज आप देखिए, आपको इस तरह से अलग अलग स्टेजेस दिखाई देंगी। तो इसमें देखिए स्टेज वन आपको दिख रही है जो ग्रीन कलर में है, इसका मतलब है कि ARN जनरेट हो गया है, एप्लीकेशन आपकी टैक्स ऑफिसर को मार्क हो गई है और उसके डैशबोर्ड पे पहुंच गई है और प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है। अब अगर टैक्स ऑफिसर को साइट वेरिफिकेशन के लिए भी असाइन कर दिया गया है तो स्टेज टू आपको ग्रीन दिख रही है और बाकी स्टेजेस आपकी अभी एक्टिव हैं, जो ग्रे कलर में है वो एक्टिव हैं। आपकी एप्लीकेशन किसको असाइन हुई थी वो भी आपको दिख जाता है, स्टेट को या सेंटर को, इसका करंट स्टेटस भी दिख जाता है, एप्लीकेशन टाइप भी दिख जाती है और इसकी पूरी हिस्ट्री भी आपको दिख जाती है। इसी तरीके से अगर आप SRN एंटर करते हैं और उसके बाद सर्च करते हैं तो उसके बाद क्या होगा, आप देखिए इसमें जो न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आपने MCA पोर्टल के माध्यम से अप्लाई लगाई थी उसका आपको पहले तो आपको MCA पोर्टल पे उसका क्या स्टेटस है, क्योंकि पहले आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होना चाहिए MCA के द्वारा और उसके बाद ही वो एप्लीकेशन आपकी GST पोर्टल पे आती है रजिस्ट्रेशन के लिए और GST पोर्टल पे उस पर काम शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको इसकी चारों स्टेजेस दिख जाती हैं कि इसमें आपका MCA में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो गया कि नहीं हो गया और लास्ट में GST पोर्टल की स्टेज भी आपको दिख जाती है। तो ये तो मैं आपको MCA पोर्टल के स्टेटस जो आप GST पोर्टल पे देख पा रहे हैं, बट ये MCA पोर्टल का स्टेटस है और
ये जो है ये आपका जीएसटी पोर्टल का स्टेटस है, जिसमें आपका एआरएन का स्टेटस आपको दिख रहा है, जिसमें आपकी पूरी केस हिस्ट्री दिख रही है कि इसमें एआरएन कब जनरेट हुआ था, इसमें अगर शो कॉज हुआ था तो कौन सी तारीख को हुआ था, आपने इसका जवाब दिया या नहीं दिया, और आज की तारीख में टैक्स ऑफिसर ने या तो इसका इस पे ऑर्डर इशू कर दिया है या अभी टैक्स ऑफिसर के पास ही पेंडिंग है। तो ये सारे स्टेटस आपको एआरएन एसआरएन के द्वारा दिख जाते हैं। अब हम पोस्ट लॉगिन में देख लेते हैं। पोस्ट लॉगिन में अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं तो आप अगर क्रेडेंशियल्स यूज करके लॉगिन करते हैं और फिर सर्विसेज में जाके ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करते हैं और उसके बाद मॉड्यूल चूज करते हैं, तो यहां तक देखिए जो पूरा का पूरा प्रोसेस है प्री लॉगिन और पोस्ट लॉगिन में बिल्कुल सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। आप सर्विसेज चूज करके और मॉड्यूल चूज कर रहे हैं जिसमें आपको ट्रैक करना है, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। लेकिन यहां पर देखिए आप, पहले आपको प्री लॉगिन में सिर्फ एआरएन और एसआरएन के ही ऑप्शन दिख रहे थे, अब आपको सबमिशन पीरियड का ऑप्शन भी दिख रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है जो आपको यहाँ पर मिल जाता है, जिससे आप सिर्फ फ्रॉम और टू पीरियड एंटर करके भी सर्च कर सकते हैं और उस पीरियड में आपकी रजिस्ट्रेशन रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशन फाइल हुई हो, चाहे वो कोर अमेंडमेंट की हुई हो, चाहे वो नॉन कोर अमेंडमेंट की हुई हो या वो न्यू रजिस्ट्रेशन की हुई हो, वो सारी की सारी आपको दिख जाती हैं और उनका करंट स्टेटस भी दिख जाता है। जैसे आप देख सकते हैं नीचे कि इसमें ये एप्लीकेशन है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन जो अप्रूव्ड दिख रही है आपको, एक और एप्लीकेशन है फॉर नॉन कोर अमेंडमेंट जो ऑटो अप्रूव्ड होती है जैसे ही आप फाइल करते हैं तो वो आपको अप्रूव्ड दिख रही है, और एक कोर अमेंडमेंट रजिस्ट्रेशन की जो एप्लीकेशन आपने लगाई है वो अभी पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग आपको दिख रही है। तो इसमें आप एआरएन पे क्लिक करके एआरएन स्टेटस भी चेक कर पाते हैं और इसमें एक्नॉलेजमेंट को आप डाउनलोड करने का ऑप्शन भी यहां पर दिया हुआ है, तो आप ये दोनों चीजें क्लिक करके रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। तो देखिए अगर हमने एआरएन पे क्लिक करके देखा तो यहां पर एआरएन की बेसिक डिटेल्स दिख जाती हैं, क्योंकि देखिए ये नॉन कोर अमेंडमेंट है तो इसमें एक ही स्टेज है, जैसे ही आप फाइल करते हैं वो ऑटो अप्रूव्ड होती है, तो ये आपको दिखा रही है अप्रूव्ड है। अगर ये कोर अमेंडमेंट एप्लीकेशन होती तो इसमें एक से ज्यादा स्टेज होती, क्योंकि पहले आप फाइल करते हैं और फिर उसके टैक्स ऑफिसर उस पर एक्शन लेता है, उसमें आपको नोटिस भी इशू कर सकता है, तो वो सारी स्टेजेस आपको दिखती। इसी तरह से कैंसिलेशन से रिलेटेड अगर आपने एप्लीकेशन लगाई होगी, लगाते हैं आप, तो उसका स्टेटस भी आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं पोस्ट लॉग इन पीरियड सेलेक्शन से, और एआरएन से भी आप चेक कर सकते हैं। अब ये जो एक और नई सुविधा है जो उन टैक्स पेयर्स के लिए है जो पहले से ही जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन जिन्होंने पहली बार एप्लीकेशन लगाई है, टीआरएन जनरेट हो गया था, उसके बाद पार्ट भी भरने का एआरएन भी जनरेट हो गया था, उसके बाद वो टीआरएन से लॉगिन करके कैसे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, उसके लिए ये नई फैसिलिटी है। तो इसमें आप प्री लॉगिन में ही जाते हैं, अभी आपने लॉगिन नहीं किया है, आप सर्विसेज पे क्लिक करते हैं, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन पे एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर आपको जब पार्ट बी भरने वाला स्टेज था वो ही पेज आपको दिख जाता है कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए टीआरएन आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपने पार्ट बी भरने से पहले भी किया होगा, वही नंबर आप एंटर करके कैप्चा एंटर करके और प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ओटीपी आएगा जो ईमेल पर भी आएगा और मोबाइल पे भी आएगा, दोनों में कॉमन ही होगा, तो वो आप एंटर कर सकते हैं और उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसके बाद माई सेव्ड एप्लीकेशन पेज में आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का एक सेक्शन ये ऐड हुआ है, ये आपको दिख जाता है, और इसमें जब आप एआरएन पे क्लिक करते हैं तो आप इसके वही स्टेटस देख सकते हैं जो आप प्री लॉगिन और पोस्ट लॉगिन में देख सकते थे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाए थे। तो इस यहाँ तो हम रजिस्ट्रेशन रिलेटेड एप्लीकेशंस के एंड में आ गए हैं, अब हम चलते हैं कि रिटर्न्स रिलेटेड कौन सी नई फंक्शनैलिटी टैक्स पेयर्स के लिए शुरू हुई है और उसमें वो क्या एक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम जनरेटेड फॉर्म GSTR 3A नोटिस की। तो ये एक नोटिस है जो सिस्टम द्वारा जनरेट होता है अगर टैक्स पेयर टाइम पर अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता है। तो यहाँ पर रिटर्न से हमारा मतलब है GSTR 3B रिटर्न, जिसके द्वारा आप टैक्स पे करते हैं।
तो अगर ये नोटिस आपको मिलता है तो इसका मतलब है कि इस नोटिस की लैंग्वेज भी ऐसे ही है और इसमें लिखा भी है कि आपके पास 15 दिन का समय है, आपको अपनी रिटर्न दाखिल करनी है, और अगर आप और 15 दिन में अगर आप रिटर्न दाखिल करते हैं तो आपकी सारी टैक्स लायबिलिटी, लेट फी और इंटरेस्ट भी ऑब्वियसली उसके साथ में आप पे कर देते हैं। लेकिन अगर आप 15 दिन के अंदर इसकी तामील नहीं करते हैं तो ये नोटिस की जो लिस्ट है वो टैक्स ऑफिसर के डैशबोर्ड पे चली जाती है और टैक्स ऑफिसर इसमें सेक्शन 62 यानी कि समरी असेसमेंट का एक्शन इनिशिएट कर सकता है आपके अगेंस्ट। तो इसीलिए जरूरी है कि आप नोटिस मिलने के बाद 15 दिन के अंदर अपनी रिटर्न फाइल कर दें। तो रिटर्न से पहले और ड्यू डेट से भी पहले भी टैक्स पेयर को एक अलर्ट SMS के द्वारा मिलता है, जो प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी है उनको भी दिया जाता है और टैक्स पेयर को भी दिया जाता है। और ये देखिए, अब जो रिटर्न की डेट्स हैं, GST 3B रिटर्न्स की डेट्स हैं, वो या तो 20 तारीख है और QRMP स्कीम के टैक्स पेयर्स के लिए 22 या 24 तारीख है क्वार्टर के एंड के अगले महीने की। तो ये जो नोटिस, ये जो अलर्ट है, ये आपको 18 तारीख को मिलता है यानी कि रिटर्न की ड्यू डेट से पहले। अगर आप ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको एक और अलर्ट भेजा जाता है जो 25 तारीख को भेजा जाता है। तो अगर आपको 3A नोटिस मिल गया है तो आपको, आप उसको कैसे व्यू कर सकते हैं? आप लॉगिन करने के बाद सर्विसेज क्लिक करेंगे, यूजर सर्विसेज, व्यू नोटिसेज एंड ऑर्डर्स, जिसमें आपके सारे नोटिसेज एंड ऑर्डर्स दिखते हैं, और उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर्स अंडर सेक्शन 46 फॉर नॉट फाइलिंग रिटर्न, ये आपको इस टेबल में दिख रहा है और यहाँ पर एक डाउनलोड का आइकन भी दिख रहा है। तो यहाँ से आप इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आपको मैसेज मिलता है कि इट हैज बीन सक्सेसफुली डाउनलोडेड, और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं PDF इसका दिख रहा है आपको। और ये आपका नोटिस है जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपने टाइम पर अपनी 3B रिटर्न दाखिल नहीं की थी और इसको आप 15 दिन के अंदर दाखिल कर दें। तो ये 3A नोटिस के बारे में था। अब हम देख लेते हैं कि ITC 03 NIL फाइलिंग कैसे की जा सकती है। तो देखिए, ITC 03 रिटर्न कब फाइल की जाती है? अगर आप कंपोजिशन स्कीम में आ रहे हैं या आपके पास जो भी सप्लाईज हैं वो GST से एग्जेम्प्ट हो जाती हैं, जो स्थिति बहुत रेयर होती है, लेकिन कंपोजिशन स्कीम में आप साल के शुरू में आ सकते हैं। और जब भी आप कंपोजिशन स्कीम में आएंगे तो आपको GST ITC 03 फाइल करना है, और GST ITC 03 में आपको वो क्रेडिट जो आपके पास इनपुट्स पड़े हुए हैं आज की तारीख में, जिस तारीख में आप कंपोजिशन में आ रहे हैं उससे एक दिन पहले, चाहे वो सेमी फिनिश्ड हो या फिनिश्ड हो, और कैपिटल गुड्स उनकी जो रेजिडुअल वैल्यू है उसके ऊपर जितना भी ITC है वो आपको रिवर्स करना है। अब अगर आपके पास में या तो इनपुट्स हैं ही नहीं या आपने उनके ऊपर ITC अवेल ही नहीं किया है, आपकी बुक्स में शो ही नहीं हो रहा है, उन दोनों केसेस में आप NIL फॉर्म ITC 03 फाइल कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे? तो इसमें आपने लॉगिन किया पोर्टल पे, सर्विसेज पे क्लिक किया और उसके बाद रिटर्न्स पे क्लिक किया, और जब आप रिटर्न्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको GST ITC फॉर्म्स वाला टाइल दिख जाता है, और यहाँ पर आपको GST ITC 03 ITC रिवर्सल ऑब्लिक पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 18(4) ये टाइल आपको दिखता है। तो इसके बाद आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो आप उसका सेक्शन क्लिक कर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आपको ये आइकन, यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स दिख रहा है कि अगर आप NIL ITC 03 फाइल करनी है तो आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके बाद सिंपल, बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपने इसको NIL को क्लिक किया, उसके बाद आपने इसको प्रीव्यू किया, इसका PDF जनरेट हो जाता है, आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं फाइलिंग से पहले, और उसके बाद आप प्रोसीड टू फाइल NIL ITC 03 पे चले जाते हैं। आपको एक वार्निंग भी दी जाती है कि आप बदल नहीं पाएंगे, और उसके बाद में आप DSC या EVC जो भी आप चाहें उसके द्वारा आप इसको फाइल कर सकते हैं। उसके बाद में आप इसका स्टेटस भी देख सकते हैं और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये आपको डाउनलोड की सुविधा भी उसके बाद मिल जाती है। तो ये थी आज की वेबिनार की सारी जानकारी। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ हमसे जुड़ने के लिए।
मैं हमारे जीएसटीएन के बिहाफ पे सीईओ जीएसटीएन एसवीपी सर्विसेज एसवीपी ओसीबी श्री राजीव अग्रवाल, मेरे साथी श्री रफी और मिस अंकिता, हमारी आईटी टीम, इन सभी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हम फेसबुक पर भी हैं, आप हमसे ट्विटर पे भी कनेक्ट हो सकते हैं और आपको हमारे सारे वीडियोस और सारे वेबिनार्स के रिकॉर्डिंग्स भी यूट्यूब पर मिल जाती है, जो एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है जो आप होम पेज से एक्सेस कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।